स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के इस सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सियासत की खबर से जो कि पंजाब से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से बठिंडा में एम्स बनाने को मिली मंजूरी पर अकाली दल में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो विपक्ष ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने पंजाब को बेहतर सुविधाएं दी थी, साथ ही विपक्ष ने बठिंडा में एम्स खुलने पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब के बठिंडा को एम्स क्या दिया, अब इस पे सियासत भी जोरों पर शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से पंजाब के बठिंडा में एम्स को मंजूरी मिल गई है, जिसे अकाली बीजेपी सरकार बड़ी उपलब्धि मान रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा के मुताबिक बठिंडा में एम्स बनने से पंजाब के साथ हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान को भी फायदा मिलेगा। एम्स बनने के बाद पंजाब के लोगों को अपने सूबे में ही उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके विच जे कोई नामवर संस्था मेडिकल एजुकेशन के विच अज तक जानी जाती है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कला पंजाब ने जोड़े दूजे राज्यों के भी साढ़े जिले नेड़े लगते हैं उन्होंने वास्ते भी यदा बहुत बड़ा फायदा। ईवन अगे जे एंड के है, हिमाचल के पार्ट्स है, राजस्थान के पार्ट्स है, हरियाणा के पार्ट्स है, उन्होंने वास्ते भी ये जी है सहूलत जी है बहुत वही। वहीं बठिंडा को एम्स दिए जाने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस सांसद की दलील है कि एम्स अगर दुआबा में बनता तो ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलता, जबकि पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता पूर्व मनमोहन सरकार के राज में पंजाब को मिली सौगातें गिनाते दिखाई दिए। जब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पंजाब में ड्यूरिंग 92 में जो बनी थी, तो उस वक्त हमने एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पिम्स वो हमने वहाँ शुरू किया था जलंधर में, वहाँ गन्ना फार्म थी उसकी जगह में वो शुरू किया, और एम्स लाइक उसकी जो बिल्डिंग थी इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमने तैयार किया, उस पर कोई तकरीबन 150 करोड़ रुपया लगा, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी। एम्स का प्रोजेक्ट था बहुत पहला बन गया सीगा, ये राहुल जी आए से उदे उद्घाटन वास्ते मैं भी उत्थे सी, संगरूर होना सी, संगरूर तो चक के बठिंडे लै गए। उधर पंजाब कांग्रेस का कहना है कि एम्स पंजाब के मालवा में नहीं बल्कि पंजाब के दुबाबा क्षेत्र में खुलना चाहिए। दिल्ली से पंकज कपाई के साथ जगतार पुलर, जी मीडिया चंडीगढ़। संसद वीडियोग्राफी मामले में आम आदमी पार्टी से सांसद भगवंत मान आज जांच कर रही कमेटी के सामने पेश हुए। हालांकि अभी सोमवार को भी मान को इसी कमेटी के सामने पेश होना होगा। संसद का वीडियो बनाए जाने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान आज गठित कमेटी के सामने पेश हुए। सोमवार को एक बार फिर से भगवंत मान कमेटी के सामने पेश होंगे। संसद परिसर का वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान सोमवार को फिर से जांच कमेटी के सामने पेश होंगे। बृहस्पतिवार को दोपहर 3 बजे भगवंत मान इस मामले की जांच कर रही कमेटी के सामने पेश हुए। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष कमेटी के सामने रखा है, पक्ष रख दिया है, और समिति ने सोमवार को समिति ने दोबारा इसको रिव्यू करके सोमवार को दोबारा उसने मुझे बताया है, मैं अपना पक्ष उस भी वही रखूंगा। कमेटी के सामने पेश होने से पहले भगवंत मान ने कमेटी पर भी सवाल उठाए। मान ने कहा कि कमेटी में वही लोग हैं जो संसद में उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। कमेटी में वही मेंबर हैं जो मुझे बर्खास्त करने की उस दिन मांग कर रहे थे, चेयरमैन क्रिट सुमैया सबसे ज्यादा वही कह रहे थे कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, इसको अभी बर्खास्त कर देना चाहिए, वो चेयरमैन है हमारे। वही कमेटी भगवंत मान के पक्ष से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण दिया है उसमें कुछ मात्रा में कॉन्ट्राडिक्शन था, कन्फ्यूजन था, उस बारे में सदस्य ने स्पष्टता चाहिए,
उन्होंने खुद दिए, उनको और दो दिन का समय दिया गया है कि और अधिक कुछ वो कंफ्यूजन कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में क्लेरिटी देना चाहे, तो सोमवार को दोपहर को 3 बजे पुनः ये सुनवाई आगे जारी रहेगी। कमेटी के सामने पेश होने से पहले आज भगवंत मान ने कमेटी को 5 पन्नों की अपनी सफाई दी थी। भगवंत मान ने कहा कि वो बेकसूर है, बावजूद इसके उन्होंने माफी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर भड़ास निकाली। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं और भगवंत मान भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान के बहाने दिल्ली के मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया। हरसिमरत कौर का आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की परवाह नहीं है और दिल्ली पर फोकस करने की बजाय सियासी टूरिज्म में मसरूफ हैं, जिसे उनके सांसद भगवंत मान भी फॉलो कर रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य में बैठने का टाइम ही नहीं है, पॉलिटिकल टूरिज्म हर स्टेट में कर रहे हैं, तो ये मान साहब भी वही करें तो कोई केंद्र पे इल्जाम लगाएं कोई नई बात नहीं है। संसद परिसर की वीडियो बनाने पर भगवंत मान की हरकत को हरसिमरत कौर बादल ने सुरक्षा से खिलवाड़ करार देते हुए एक बार फिर से जांच की मांग की है, जबकि भगवंत मान का कहना है कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं, हालांकि अपने बचाव में कुछ पुराने उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से हमारी सरकार और सब जानते हैं कि इनकी लीडरशिप का डायरेक्ट तालमेल रेडिकल फोर्सेस के साथ है, सेपरेटिस्ट स्टेजेस पे इनके एमएलए चढ़ते हैं, मान साहब खुद उनके साथ तालमेल रखते हैं। सो ये सब चीजों को देखते हुए इस तक पहुंचा और ये एक कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योरिटी को खराब करके माहौल खराब करना ये कौन चाहता है? ये मैंने ऑलरेडी ये लिखित में कर दिया कि मैडम अनजाने में अगर इस मेरे से एक वीडियो बन गया, मैं लोगों को अवगत कराना चाहता था सवाल कैसे डलते हैं और कैसे लकी ड्रॉ निकलते हैं। मेरी मंशा ये थी, मेरी मंशा सुरक्षा में सेंध लगानी नहीं थी। मैंने बिना शर्त माफी मांग ली रिटर्न में और आगे से ऐसा ना करने का विश्वास भी दिला दिया, लेकिन उसको काफी नहीं माना गया तो मैं कमेटी के सामने पेश करूंगा। संसद की वीडियोग्राफी विवाद मामले को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने एक बार फिर से भगवंत मान को निशाने पर लिया है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसवाईएल पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सत्ताधारी अकाली दल और कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। सरदार प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार सीएम साहब बरनाला के भदौड़ पहुंचे, जहां उन्होंने कई गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को निपटाया। इस दौरान मुख्यमंत्री एसवाईएल विवाद पर कांग्रेस को कोसना नहीं भूले। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए बताया कि कांग्रेस ने पंजाब का भारी नुकसान किया है। मसले जी पार्टी ज्वाइन की थी है, इन्हें पानी खोया साडा, राजस्थान भी दिता है, हुण हरियाणा भी दिता है, इंदिरा गांधी ने फैसला किया, उस नहर नूं ढक लिया। जिन्ना नुकसान इन्हां लोकां ने पंजाब का किया, जे ना करते अतवाद भी जिहड़ा लैंदा उहदे जिन्ना दा बड़ा वड्डा। उधर मुख्यमंत्री के वार पर पलटवार पंजाब कांग्रेस के कैप्टन ने किया। उन्होंने जलंधर में सीएम बादल और चौधरी देवीलाल की दोस्ती को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही एसवाईएल पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए सीएम बादल को ललकारा। प्रकाश सिंह ने आप मने, देवीलाल ने बयान दिया, असेंबली ने पास किया, 5 करोड़ रुपया एज ए टोकन पेमेंट करनी सी, हरियाणा ने 2 करोड़ हो गई, 3 करोड़ होने तो पहला उन्होंने देवीलाल की गवर्नमेंट टुट गई। वी आर गोइंग टू रिजाइन द डे द जजमेंट कम्स आउट, प्लीज मेक इट क्लियर टू हिम, एंड असी जानना चाहते हैं तू की करेगा, तू इस्तीफा करेगा, देगा अपनी सरकार का या नहीं देगा। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल एसवाईएल के मुद्दे पर कांग्रेस को कोस रहे हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। बरनाला से जीवन रामगढ़ के साथ राजीव अद्वा, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे और केजरीवाल कल एक मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश होंगे।
अपने खिलाफ दायर मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अमृतसर के सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का यहां पर स्वागत किया है। और अरविंद केजरीवाल इस समय संजय सिंह, सुच्चा सिंह छोटेपुर और सुखपाल सिंह खैरा जैसे नेताओं के साथ अंदर बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। कल की कार्रवाई क्या होगी, कानूनी कार्रवाई, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो आम आदमी के सभी कार्यकर्ताओं को सुबह 9 बजे सर्किट हाउस में आने के लिए कहा गया है, यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए कहा गया, ताकि सभी कार्यकर्ता जो है 9 बजे जब अरविंद केजरीवाल यहां से कोर्ट के लिए कूच करेंगे तो उनके साथ हों। हालांकि शिरोमणि अकाली दल इस इकट्ठ को, इस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने की कार्रवाई को शक्ति प्रदर्शन बता रही है। देखना यह होगा कि कल किस तरह से कोर्ट में पेश होते हैं अरविंद केजरीवाल और वहां पर मौजूद अकाली कार्यकर्ता और अकाली नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पटियाला के गांव बलमगढ़ में एक सरकारी अध्यापक के निधन के बाद पंचायत ने एक 5वीं की छात्रा को स्कूल का इंचार्ज बना दिया है। छोटे से सोनिया के कंधों पर पंचायत ने एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। पंजाब के समाणा में गांव बल्लमगढ़ की पंचायत ने सरकारी स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा 11 साल की सोनिया को सौंपा है। बच्चों को पढ़ा रही 11 सालों की ये सोनिया रानी ही इस स्कूल की कर्ता धर्ता है। इसके कंधों पर ही इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी है। जिला पटियाला के समाना के गांव बल्लमगढ़ की इस सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में सोनिया के बिना कोई और अध्यापक नहीं है, जिस वजह से गांव की पंचायत ने सोनिया को ये जिम्मेवारी सौंपी है। बच्चे कक्षा में शोर ना डालें, इसके लिए कक्षा में 2 बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। सोनिया खुद 5वीं कक्षा की छात्रा है और पिछले 6 महीनों से स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही है। दरअसल इस स्कूल में तैनात अध्यापक की 6 महीने पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने यहाँ किसी अध्यापक की पक्के तौर पर नियुक्ति नहीं की। आसपास के गांव के स्कूलों के अध्यापक हफ्ते में 2 दिन छात्रों को पढ़ाने के लिए आते हैं, बाकी के दिन सोनिया ही छात्रों को पढ़ाती है। गांव की पंचायत ने बताया कि वो कई बार उच्च अधिकारियों से मिले हैं और स्कूल में पक्के तौर पर अध्यापक की नियुक्ति करने की मांग की गई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 बारी अपने सिक्ख्या विभाग नूं मिल चुके डीओ साहब नूं, उन्होंने सातों एप्लीकेशन लेके रख लेंदे ने, कहिंदे ने हां तुसीं टीचर भेजांगे। हल तक साढ़े लवे कोई पक्का टीचर नहीं भेजा, कलारां तों साढ़े लवे कदे कोई टीचर आ जांदा, कदे कोई टीचर आ जांदा, कदे कोई आ जांदा, सानूं पक्का परमानेंट कोई टीचर नहीं मिलता। गांव की पंचायत ने आरोप लगाया कि सरकार की बेरुखी की वजह से आसपास के 3 गांव के स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं और अगर शिक्षा विभाग ने हमारे गांव की तरफ भी ध्यान ना दिया तो ये स्कूल भी जल्द ही बंद हो जाएगा। स्कूल बंद होने किनारे आ जी, जे ना कोई 5-4 दिन टीचर आ सके तो स्कूल बंद हो सकता, जे स्कूल बंद इलाके च एक नंगाइया खेड़ी हो गया जी, फतेहगढ़ छन्ना जी, एक सपरहेड़ी जी, 3 स्कूल तो पहले बंद हो चुके हैं जी, ये चौथा साडा स्कूल आ जो बंद होने के किनारे आ। असी सिक्ख्या मंत्री तो मांग करते हैं साढ़े पक्का टीचर आवे। गाँव बल्लभगढ़ के स्कूल में एक भी शिक्षक तैनात नहीं है, जबकि 7 के 2 स्कूल इसी कारण से बंद हो चुके हैं। ग्रामीणों के इस कदम ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। पटियाला से कैमरामैन कमल के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। फिरोजपुर में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गंदे पानी के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजपुर के जीरा शहर के सीवरेज का गंदा पानी गांव अलीपुर की 60 एकड़ जमीन में फैलकर लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। फिरोजपुर के जीरा हलके के गांव अलीपुर में खड़ा ये पानी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की वजह बना हुआ है।
पानी की आगे निकासी न होने की वजह से लगभग 60 एकड़ फसल पानी की चपेट में आ गई है। पानी की निकासी के लिए सेम नाला बनाया गया था, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि अलीपुर से आगे के गांव लोहेके के वासियों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए सेम नाले पर बांध बना दिया, जिस वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही। गांव वालों की मांग है कि सेम नाले को वापस चालू किया जाए और उन्हें भी बचाया जाए। लगभग 50 पिंडा दा नाल जिहड़ा सीवरेज दा पानी इत्थे आउंदा, इह सेम नाला जिहड़ा अगों बंद करके किसानां ने वाह के बन लाया। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 60 ਤੋਂ 65 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸੇਮਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੀਰੇ ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹ ਸੇਮਲਾ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸੇਮਲਾ ਬਣੇ। लोगों की मुश्किल कोई नई नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से लोग लगातार इस मुश्किल के साथ जूझ रहे हैं। ये पानी जीरा शहर के सीवरेज का पानी है। पानी गंदा होने की वजह से गांव का धरती के नीचे का पानी भी प्रभावित हो रहा है और लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने सरकार से मुफ्त इलाज की भी मांग की है। पैसा डूबी तो टेंशन बन गई, नीचे मुंडा मर गया, टेंशन बन के दे बीमारी पूरी जगह शुरू हो गई। इलाज तो फ्री होना चाहिए, गरीब बंदा है, इतना इलाज नहीं करा सकता। लोगों का आरोप है कि वो कई बार अपनी मुश्किल के संबंध में प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं दो गांव का मामला होने की वजह से प्रशासन भी सही हल निकालने का भरोसा दे रहा है और साथ ही मुआवजे के लिए भी हामी भर रहा है। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਕਦੇ ਦਿਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 2015 ਮੇ ਗਾਂਵ ਅਲੀਪੁਰ ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਗਾਂਵ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਲੇਕਰ ਸਰਕਾਰੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਸੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और मामले में 3 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी, इसके ऊपर असमंजस अभी भी बरकरार है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें इंडिगो ने फिलहाल यही कहा है कि जब उन्हें स्लॉट्स की परमिशन जो है वो मिल जाएगी उसके 10 दिन बाद स्केड्यूल जो है फ्लाइट्स का वो अनाउंस किया जाएगा। और स्केड्यूल अनाउंस करने की फिलहाल बात की गई है, लेकिन कब से फ्लाइट शुरू होंगी ये नहीं बताया गया है। वहीं अगर एयर इंडिया की बात करें तो उनका भी यही कहना है जो आज एफिडेविट आया है कि टाइम टेबल क्या है, स्केड्यूल क्या रहेगा, इसके ऊपर कोई भी एफिडेविट जो है वो नहीं दिया गया है। इसी कारण याचिकाकर्ता वकील ने फिलहाल यही मांग की है कि एयर इंडिया जो कि फ्लाइट शुरू करना चाहती है कॉम्बो फ्लाइट चंडीगढ़ से शारजाह तक, उसका टाइम टेबल और स्केड्यूल जो है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अगली तारीख तक दिया जाए। और अगर वहीं दूसरे अब कुछ और मुद्दों की बात करें तो मुद्दा फिलहाल यही शुरू हो चुका है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर CAT-3 इंस्टॉल करना है, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा धुंध पड़ जाती है या रात के समय में फ्लाइट जो है वो स्मूथली लैंड कर सके, इसी कारण जो है CAT-3 जो है इंस्टॉल करना रहता है। और उसके बाद रीसर्फेसिंग और रनवे को बड़ा करने की जो बातचीत हो रही है उसमें ये कहा गया है, अब हाईकोर्ट ने यही कहा है कि अगली तारीख के ऊपर जो है सारी चीज़ें क्लियर करें कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर हाईकोर्ट के जज की टिप्पणियों की बात की जाए तो उनका यही कहना है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ तक हाईकोर्ट के जज ने यह टिप्पणी की है और एक लेटर तक दिखाया है कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है इस पूरे मुद्दे से, चाहते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जल्द से जल्द शुरू हो। उसमें जज हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू करना है, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करनी है, आखिरकार उनको जो है प्रधानमंत्री का ही लिहाज कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। और अब फिलहाल जो है इस मामले की अगली तारीख जो है 3 अगस्त है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ हैं शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अमृतसर और जालंधर में पंजाब पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान भर्ती के लिए आए युवाओं का डोप टेस्ट करवाया जा रहा है, लेकिन दूसरे दिन बारिश की वजह से इस कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा।
अमृतसर में जारी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बारिश ने खलल डालने का काम किया है। अमृतसर में बुधवार को शुरू हुई पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पर मौसम ने असर डाला है। दरअसल गुरु नगरी में बारिश के चलते ट्रैक खराब हो गया, जिसके चलते पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पोस्टपोन करना पड़ा। इससे पहले बुधवार को 270 युवाओं की रजिस्ट्रेशन हो गई थी, जबकि 60 के डोप टेस्ट कराए गए थे। इनमें से 5 युवा डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਗਿੱਲਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੰਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ 5 ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਕਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰੋਂ ਕਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈਂ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। हिसार में आज PSCL कंपनी के पीड़ित निवेशकों ने पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया और सेबी के खिलाफ शहर में पैदल मार्च कर अपने गुस्से का इजहार किया। PSCL कंपनी की अनियमितताओं के शिकार हुए पीड़ित निवेशकों ने आज हिसार में रोष मार्च निकाला और राज्यसभा से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मदद की अपील की। PSPL कंपनी के खिलाफ पीड़ित निवेशकों ने हिसार की सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च निकाला। निवेशकों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद उनकी मेहनत की कमाई को वापस लौटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे दुखी निवेशकों को अब सिर्फ डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मदद की उम्मीद है। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे निवेशकों से इस बाबत डॉक्टर चंद्रा के राजनीतिक सचिव को ज्ञापन सौंपा है। हमने एक मुहिम चलाई हुई है कि पिछले 3 साल से PSCL के ग्राहकों का पैसा जो है उनको वापस नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है। अभी राज्यसभा सांसद हमारे जो सुभाष चंद्रा जी हैं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, उनको हम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारी ये आवाज वो संसद में उठाएं। पीड़ित निवेशकों की अपील पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राजनीतिक सचिव ने मामले को उच्च प्लेटफॉर्म पर उठाने का भरोसा दिया है। ये जिस तरीके से आम लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पे घोटाले हो रहे हैं देश और प्रदेश के स्तर, इसके लिए केंद्र की सरकार बहुत संजीदा है और इस मुद्दे को भी, भारत के मुद्दे को भी माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के सांसद बनने के उपलक्ष्य में अभी पहले मुद्दे की कोशिश करेंगे। हम ये इशू केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएं और राज्यसभा में उठाएं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राजनीतिक सचिव ने पीड़ित निवेशकों को उनकी मांग सरकार तक पहुँचाने का भरोसा दिया है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। सिरसा में एक दुकान में चोरी हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि दुकान के सामने ही PCR तैनात थी और पुलिस को भनक तक भी नहीं लगी। सिरसा में किराने की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। हैरानी की बात है कि किराने की दुकान के सामने PCR तैनात थी, उसके बावजूद चोरी हो गई। सिरसा के रानिया रोड पर मौजूद किराने की एक दुकान में रात में करीब 2 बजे चोरी हो गई। हैरानी की बात यह है कि दुकान के सामने ही पुलिस की PCR तैनात थी, बावजूद उसके चोर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस की जब PCR तैनात थी तो फिर सामने की दुकान में चोरी कैसे हो गई? क्या पुलिस को चोरी की भनक नहीं हुई? पीड़ित दुकानदार इंसाफ मांग करते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। हम ये मांग करते हैं कि पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए और हमें जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होए और जो भी चोर थे, 4 चोर थे, उनको पकड़ा जाए। वहीं पुलिस ने दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि सब्जी मंडी चौकी प्रभारी ने पुलिस की लापरवाही से साफ इनकार कर दिया है। रात को नामालूम मुजरमान द्वारा चोरी करते गए, जिस पर अभियोग हमने दर्ज कर दिया, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो साथ में CCTV फुटेज तारापाटा कुटिया के अंदर लगी हुई थी, उसको भी हमने देखा, उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। उसमें जो ना ये बात सामने नहीं आई, उनकी लापरवाही PCR जरूर उनके पास। सेवा और सुरक्षा का वादा करने वाली पुलिस के सामने अगर ऐसी ही चोरियां होती रहेंगी तो जाहिर है सुरक्षा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते ही रहेंगे। हालांकि पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। हथिनीकुंड बैराज से अचानक छोड़े गए पानी से यमुना नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद यूपी की सीमा में खनन कर रहे हरियाणा के रहने वाले 8 लोग पानी के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करवाया गया। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 8 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था।
गनीमत रही कि फरिश्ता बनकर आए सेना के हेलीकॉप्टर ने उन्हें बचा लिया। बुधवार को यमुना में अचानक बाढ़ आ गई और 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए। एक तरफ इन लोगों की सांसें अटकी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जरा रहा है। ये लोग मदद की गुहार लगा रहे। इस बीच इन्हें बचाने के लिए गोताखोरों ने टीले तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना अधिक था कि उसमें उतरना खतरे से खाली नहीं। मौके पर मौजूद डीसी ने तुरंत मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों से फोन पर बात की और टीले पर फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को भेजने की अपील की, जिसके बाद सरसावा एयरफोर्स से एक हेलीकॉप्टर मौके पर आया और टीले पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। वहीं यमुना से सटे कई गांवों में अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। उनको उनके हमारे पास लिस्ट है, टेलीफोन वगैरह की ना, सभी सरपंच वगैरह है जो गांव के, सबको फोन पे घोषित मतलब कि अलर्ट घोषित कर दिया उनको, सब अपनी तैयारी रखे, फ्लड मतलब कि मीडियम उसका बन चुका है। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने से बुधवार शाम जठलाना क्षेत्र में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को चेताया कि वे यमुना की स्थिति पर नजर रखें और रात के समय गांवों में पहरा लगाएं। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई कि कोई भी ग्रामीण यमुना में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना पार खेतों में न जाए। बताया जा रहा है कि 72 घंटे में यह पानी दिल्ली पहुंचने वाला है। अभी तो करनाल को कर दिया था, नालेसी को ना, अब सोनीपत और अपना दिल्ली को भी अभी कर देंगे, क्योंकि अभी 6 घंटे बाद दिल्ली असर होते हैं ना, तो अभी उनको घोषित उनको अभी अलर्ट कर देंगे। इससे पहले भी ग्रामीण आरोप लगा चुके हैं कि प्रशासन पूर्व सूचना दिए नदी में पानी छोड़ते हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। यमुनानगर से वीना रानी के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए सरकार ने आज विपक्ष के नेताओं से बातचीत की और अगले हफ्ते राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश हो सकता है।